तो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने अयोध्या के संत से बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं, संतों ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा कर दी जो न्याय उचित नहीं है, कैसे देखेंगे? नाम क्या है पहले आपका? मेरा नाम महंत अयोध्या दाजी है। हाँ। मैं खाक चौक तेरा भाई त्याई के रहने वाला हूँ। देखिए, हम मैं भी सुन रहा था टीवी पे उनका वक्तव्य, ये बिल्कुल अनुचित है जो बोल रहे हैं। वास्तव में भगवान का, देखिए, विकास का जो कार्य है, भगवान का गर्भगृह बन करके तैयार हो गया जहाँ ठाकुर जी विराजमान होंगे। इसके बाद आप 2 मंजिला बनाइए, 3 मंजिला बनाइए, जिससे देश है, राष्ट्र का विकास आज 60 साल से 70 साल से हो रहा है। अभी भी विकासशील देश है, विकास होता रहता है, लेकिन भारत भारत है। तो भगवान भी पधार गए, उसके बाद जो डेवलप का काम है, जो मंदिर के शिखर का काम है, उसमें हो सकता है कल पूरे मंदिर में सोना लगे, हीरा लगे, कुछ भी लगे, तो इसको अधूरा नहीं माना जा सकता है। ये शास्त्रों में विधान है, कई शास्त्रों का प्रमाण भी है, ऐसे नहीं मूर्ख लोग थोड़े स्थापना कर रहे हैं। बनारस का बहुत भारी विद्वान पंडित के द्वारा मुहूर्त निकला है, अब पूरे भारत के लोग कम से कम 95% लोग बोल रहे हैं सही है। 2-4 लोग, शंकराचार्य लोग कोई खास दबाव में, या हो सकता है जबकि निमंत्रण उनको भी गया है, लेकिन हो सकता है दबाव में या किसी कारणवश वो बोल रहे भी बस हो करके, लेकिन एक अयोध्यावासी का, संपूर्ण अयोध्यावासियों का एक मत है कि बहुत सुंदर हो रहा है, भगवान हमारे पधार रहे हैं, इससे बड़े खुशी के लिए हम लोग कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? भगवान शरण। अच्छा जी, कहाँ आप? अयोध्या के हैं। हमने 90 की स्थिति को भी देखा है। हाँ। और हम लोग बहुत लठगोली खाए हैं। हाँ। शंकराचार्य जी लठगोली नहीं खाए हैं। हम लोग तो चाहते हैं जो कल हो वो आज हो जाए। हाँ। ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है, तदैव। लेकिन मुझे यही समझना है, ये क्या आधा अधूरा मंदिर माना जाएगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? इसको आधा अधूरा मंदिर नहीं माना जाएगा, जिसमें गर्भगृह बन करके तैयार है। हमारे रामानंद संप्रदाय में ऐसे हजारों मंदिर है कि महात्मा लोग गर्भगृह बना करके ठाकुर जी की स्थापना करवा देते हैं, और धीरे धीरे 2-4, 10 साल, 20 साल, 25 साल में आश्रम का निर्माण होता है। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है, रामानंद संप्रदाय की पुरानी परंपरा है जिसको लेकर के चल रहे हैं। ये सोमनाथ के मंदिर का क्या थोड़ा सा उल्लेख निकल के आता है, जब उसका पुनर्निर्माण कराया गया आजादी के बाद, थोड़ा मुझे उसको समझाइए। वो शंकराचार्य जी को चाहिए कि सोमनाथ मंदिर को देख ले, और सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय, तो उन्होंने जो करवाया था उस समय भी पूरा मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था और बाद में हुआ था, और उसी को परंपरा लेकर के चले तो शंकराचार्य जी को समझ में आ जाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के हर राम भक्त बेसब्र है, इंतजार है 22 तारीख का। ऐसे में हर कोई अपने अंदाज में श्री राम का गुणगान कर रहा है। भजन गायिका अदिति शुक्ला ने श्री राम को समर्पित अपने गाने का टीजर लॉन्च किया। अयोध्या प्रभु श्री राम हो गए सब जन पूरन काम सिया राम, मगन तीनों ही मैया मिले हैं जब चारों भैया कि अब तो आ गए हैं सुखधाम, रघुकुल के रघुराम, जय श्री राम रघुकुल के रघुराम, हो गए पूरन सब जन काम, दिए जलाओ मंगल गाओ, राम आए हैं अयोध्या, दिए जलाओ मंगल गाओ, राम आए हैं अयोध्या, राम आए हैं, आए हैं राम, आए हैं राम, आए हैं, आए हैं राम, आए हैं मेरे राम, आए हैं माँ सीता संग आए हैं, भ्राता लक्ष्मण आए हैं, हनुमान आए हैं, राम आए हैं, आए हैं राम, आए हैं राम, आए हैं, आए हैं राम, आए हैं। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी मनाए, राम आए हैं, कुछ समझ ना पाए कैसे फूल बिछाए, राम आए हैं।